मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। बड़े पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये साबित कर दिखाया है गिरिडीह के एक छोटे से गांव की बेटी ने। यहाँ डुमरी अनुमंडल के घोर नक्सल प्रभावित गांव जरवाडीह की बेटी मनीषा ने 10वीं कक्षा में 88.2% अंक हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है। मेरा नाम मनीषा कुमारी है और मैं इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय से पढ़कर 10th की बोर्ड परीक्षा दी हूँ, जिसमें मेरा 88.2% आया है और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली वाले भी बहुत खुश हैं और मैं आगे IIT करके IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं अपने सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर को देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं मैं जहाँ भी रहती हूँ। मनीषा कुमारी जरवाडीह निवासी रिझुलाल महतो की छोटी बेटी हैं, जो इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में पढ़ती हैं। उनकी सफलता से उनके शिक्षक और परिवार वाले सभी खुश हैं। मैं जो भी बेटी जो अपना परीक्षा में जुलाई है, इस पर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम पूरे परिवार बच्चे लोगों को हम प्रोत्साहित करते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करो, राज्य के लिए देश हित के लिए कुछ करके दिखाओ। मनीषा जिस इलाके से आती हैं वो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। मनीषा का सपना है कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़कर इलाके को नक्सल मुक्त बनाने का प्रयास करें। मैं IIT करके IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा नक्सलीवाद एरिया है और मैं इन सबको धीरे धीरे करके, एक बार तो नहीं कर सकती हूँ बट ट्राई, धीरे धीरे मैं ये सबको ख़त्म करना चाहती हूँ और अपने माँ पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मनीषा सिर्फ पढ़ाई में ही अव्वल नहीं है, वो कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। इसके अलावा भारत स्काउट एंड गाइड और राज्य स्तरीय रसायन प्रदर्शनी में भी उन्होंने विद्यालय का नाम रोशन किया है। उनकी कामयाबी से परिवार ही नहीं पूरे गांव की उम्मीदें उनसे जुड़ गई हैं। गिरिडीह से दिनेश रजक की रिपोर्ट।